दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडिपेंडेंट टीवी के बारे में अगर 100% जेन्युइन न्यूज देखनी है तो हमारे चैनल टेक्नो नील पे ही आपको मिलेगी। उसके बारे में हमने 500 वीडियो बनाए, सबसे पहले इंस्टॉलेशन हमने ही आपको हमारे वीडियो चैनल पे दिखाया था फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों आज मैं ऐसा सेंसिटिव टॉपिक कवर करने वाला हूं, क्योंकि हम अगर आप इंडिपेंडेंट टीवी के यूजर और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई चैनल आपको नहीं आ रहा, आपको सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे, आपको कोई सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, तो आप क्या करेंगे, उनके कस्टमर केयर में कॉल करेंगे। अगर कस्टमर केयर वाले भी अगर आपका हेल्प नहीं करते तो आप क्या करेंगे दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ट्राई के नए कानून के हिसाब से आप किस तरह का एक्शन ले सकते हैं इंडिपेंडेंट टीवी पे और किस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और उसके पास ही घंटी का बटन दिखता है उसे जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिपेंडेंट टीवी के बारे में 100% जेन्युइन न्यूज आपको हमारे चैनल टेक्नो नील पे मिलती है। दोस्तों कितने दिनों से मैं 500 मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही, हमें चैनल नहीं मिल रहे, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, हमें ये एरर आ रही, अलग अलग एरर्स आ रही और ज्यादातर लोगों को यहाँ पे चैनल देखने को नहीं मिल रहे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में सबसे पहले ये होता है कि आपकी जो डीटीएच प्रोवाइडर आप उसको कॉन्टेक्ट करिए। तो इंडिपेंडेंट टीवी का जो दोस्तों टोल फ्री नंबर है जो नीचे लिंक करता होगा देख लेना आप दोस्तों 1800-200-9001। मैं खुद इस पे ट्राई करके थक जाता हूं दोस्तों। 50 बार जब आप ट्राई करेंगे तो शायद एक बार लग जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ पंगा चलता है इस नंबर के साथ। ये 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहता है, ये लगता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, किसके पास जाएं इसकी कंप्लेंट करने की? तो आपको पता है दोस्तों ट्राई ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने के लिए सारी कंपनी को बोला कि आपको नोडल ऑफिसर रखना पड़ेगा, कस्टमर केयर ऑफिसर रखना पड़ेगा, वहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो डेफिनेटली आपको ट्राई पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं जाके। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो इंडिपेंडेंट टीवी से, तो आप किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं ऊपर इंडिपेंडेंट टीवी के हायर अथॉरिटी पे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर किस तरह से आपको अप्रोच करना है दोस्तों नोडल ऑफिसर को और किस तरह से आपकी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। तो चलिए फटाफट से मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आ चुका है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पे देखेंगे पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया। ट्राई ने क्लियरली सारी डीटीएच कंपनी को बताया कि आपको अब अपना एक नोडल ऑफिसर रखना होगा। नोडल ऑफिसर दोस्तों वो होता है अगर कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कॉल सेंटर में बात करते हैं, अगर वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं देते 24 से 48 घंटे के अंदर, तो नोडल ऑफिसर को डेफिनेटली देना ही पड़ेगा। वो आपको 48 घंटे में आपकी सोल्यूशन दे देगा। अगर सोल्यूशन नहीं मिलता तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जितने दिन से चल रही है उसका पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी आपको नहीं देता दोस्तों तो आप ट्राई में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा कि नोडल ऑफिसर इंडिपेंडेंट टीवी का कौन कौन सा, आप कौन से स्टेट में रहते हैं। मैं गुजरात में रहता हूं तो मेरा नोडल ऑफिसर कौन सा है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो किस तरह से आपको पता चलेगा नोडल ऑफिसर क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका मेल आईडी क्या है, वो सब कुछ आपको इंडिपेंडेंट टीवी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे हम आ चुके हैं, यहां पे नोडल ऑफिसर का एक आपको सेगमेंट दिखेगा ऊपर सबसे पहले, और यहां पे आप देखेंगे उसके साइड में कॉन्टेक्ट अस भी। अगर आप कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे तो इनका खुद का नंबर दिखेगा दोस्तों, जहां पे आप कर सकते हैं। नंबर्स कुछ बताए जा रहे हैं आपको, लेकिन अगर इन पे आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहां पे सजेशन नहीं मिलता। लेकिन पहले मैं बोलूंगा कि जो टोल फ्री नंबर है दोस्तों, इस टोल फ्री नंबर पर ट्राई करिए, नंबर होता है तो ठीक है, अगर वो नहीं होता है तो आप यहां पे इनका मेल आईडी आप देख सकते हैं दोस्तों customercare@indiventdb.in, इस पे आप कॉन्टेक्ट करिए दोस्तों, आपका डेफिनेटली यहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा 48 घंटे का। तब भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको यहां पे नोडल ऑफिसर मिलेगा दोस्तों। नोडल ऑफिसर का पूरा चीज आपको मिल जाएगा, इसका लिस्ट मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप देखेंगे पूरा का पूरा एक खुलेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि एक्चुअल में नोडल ऑफिसर किस तरह से काम करता है और आपके स्टेट के हिसाब से कौन सा। आप देखेंगे पूरा का पूरा लिस्ट है दोस्तों यहां पे, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, अलग अलग स्टेट वाइज आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप देखेंगे मेरे गुजरात की अगर बात करूं दोस्तों, नॉर्थ के अंदर आप देखेंगे अलग अलग ऑप्शंस हैं, और यहां पे देखेंगे दोस्तों वेस्ट में मेरा गुजरात आता है, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। यहां पे देखेंगे गुजरात आ चुका है, गुजरात के सामने नंबर भी आपको दिख जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों नोडल ऑफिसर का। उसके साथ साथ आपको यहां पे नाम मिल जाएगा, मिस्टर कुणाल रॉय देख सकते हैं यहां पे नाम है, और उनका यहां पे नोडल ऑफिसर का आपको यहां पे ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, जो पूरे वेस्ट जोन का पूरा दोस्तों ईमेल एड्रेस यहां है। इस पे जैसे आप यहां पे मेल करना है आपको, पहले अगर मेल का जवाब नहीं आता दोस्तों तो आपको यहां पे उनका नंबर भी दिया गया है। आप यहां पे अपनी जो कंप्लेन है वो लिख सकते हैं दोस्तों कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके टीवी में कौन कौन से चैनल्स नहीं आ रहे, कौन सा टेक्निकल इशू आपको हो रहा है। डेफिनेटली ये नोडल ऑफिसर दोस्तों आप लोगों की मदद के लिए ही बनाए जाते हैं कंपनी की तरफ से। ट्राई ने हुक्म देके इन कंपनियों को बोला कि आपको एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो जितने भी कस्टमर उनकी जो प्रॉब्लम है उसको देखेगा ध्यान से। तो दोस्तों अगर ये नहीं करता तो उसके बाद आप ट्राई में डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन 99% नोडल ऑफिसर आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन दे देता है, फटाफट से वो सॉल्यूशन आ जाता है।
सबसे पहले कस्टमर केयर में बात कर लीजिए, कस्टमर केयर में आप मेल कर दीजिए, अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपको अच्छी तरह, अगर आप हताश हो चुके हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो दोस्तों यहां पे आके आप इंडिपेंडेंट टीवी का अगर यूजर हो तो डेफिनेटली आप यहां पे आके आपके स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं आपका जोन कौन सा, आपका स्टेट कौन सा, उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा, उसका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, और उस ईमेल एड्रेस पे आप अपना मेल कर दीजिए, उस नंबर पे आप बात करके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा 48 घंटे में, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, अगर एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन डेफिनेटली आपको यहां पे सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जो उन सब लोगों के लिए था, उन सब भाइयों के लिए था जो परेशान थे, जिनको चैनल्स में प्रॉब्लम आ रही थी, सिग्नल क्वालिटी नहीं आ रही थी, उनके चैनल्स ही नहीं आ रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे बोलते हैं सर हमारे तो सारे के सारे एचडी चैनल्स गायब हो चुके हैं, हमारे सारे के सारे एचडी चैनल्स भी गायब हो चुके हैं, गिनती के दो तीन चैनल आते हैं। तो ऐसा दोस्तों कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू होगा आपकी छतरी में या तो सेटअप बॉक्स में, तो ये अगर प्रॉब्लम आपको अगर कस्टमर केयर वाले नहीं करके देते तो डेफिनेटली आप नोडल के पास, नोडल ऑफिसर के पास मेल कर दीजिए, उनसे कॉल पर बात करिए, डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ज्यादातर में तो ये पूरा सेटअप बॉक्स चेंज भी कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, लेकिन अभी भी अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका भाई 24 घंटे 24/7 रेडी रहता है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। दोस्तों आई होप आपको ये नॉलेज वाला वीडियो लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक थम्स अप जरूर देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे आए फ्रेंड्स, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन देखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्निकल फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही दिखेगा घंटी का बटन, उसको जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।